गाइस, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि व्यू थोड़ा सा बुलिश है अभी निफ्टी में और 11,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 11,600 एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा, ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा। अगर 11,600 क्रॉस कर लेता है तो 11,800 आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि व्यू थोड़ा सा बुलिश है और 11,600 एक क्रूशियल लेवल होगा। अभी भी अगर आप देखो मार्केट 11,520 के आसपास क्लोज हुआ है, 11,450 का नीचे लो बना के वापस एक रिकवरी में देखने को मिली है। 11,600 एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर वहां पर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ध्यान देना है। अगर 11,600 क्रॉस कर लेता है और सस्टेन करता है तो आपको लॉन्ग की तरफ ध्यान देना है। तो आप लेवल नोट डाउन कर लेना, 11,600 बहुत क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 23,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। आज अगर आप देखो 22,840 का हाई बना है, उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वापस हमें एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पर, लेकिन 22,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,500 अगर वापस क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो वापस बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही होगा। तो आपको बुलिश की तरफ ज्यादा ध्यान देना है अगर 22,500 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एस्कॉर्ट सेल दिया था। एस्कॉर्ट में आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि मैंने इसको सेल दिया था 1262 के नीचे और इसने 1225 का लो बनाया है, तो डेफिनेटली आपको इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा। नेक्स्ट कॉल मैंने सेल कॉल दिया था टीवीएस मोटर, इसमें भी आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। मैंने इसको सेल दिया था 472 के नीचे, उसके बाद 464 तक का लो बनाया है, तो इसमें भी आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। मैंने आपको ग्रासिम बाय दिया था 756 के ऊपर और ये 763 तक जाके आया, उसके बाद ये नीचे आया है, तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन अगर आपने इसमें फास्ट प्रॉफिट बुकिंग किया है तो इसमें भी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट आया होगा। सो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे कि आपने एस्कॉर्ट टीवीएस मोटर ग्रासिम ट्रेड किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो आपने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरा लास्ट वीडियो पहले देखो जिसमें मैंने एस्कॉर्ट सेल दिया था, टीवीएस मोटर सेल दिया था। मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाया है कि एग्जैक्टली कौन से लो पे शॉर्ट करना है और क्यों सेल करना है, तो पहले वो आप वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसमें एक सेलिंग जरूर आया था लेकिन उसके बाद वापस एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है और आज एक ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिला यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ तक ये वापस रिटेस्ट कर सकता है 510-515 तक। सो यहाँ से 10-15 रुपए का अपमूव हमें और देखने को मिल सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। सो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप इसमें बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा पीवीआर। पीवीआर का स्ट्रक्चर सेम टू सेम एस्कॉर्ट के स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है, इसमें आपको सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। एस्कॉर्ट का ट्रेड जैसे मैंने जिस लॉजिक से दिया था सेम स्ट्रक्चर सेम चार्ट पैटर्न पीवीआर का आज है, और इसमें मुझे लगता है यहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो पीवीआर में आपको सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा एमजीएल। एमजीएल का स्ट्रक्चर भी मुझे नेगेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसमें प्योर प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से एक फॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस फॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, अब वापस फॉल आने के चांसेस ज्यादा है। सो सिंपल प्योर प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है इसमें एमजीएल में, और एमजीएल में आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इंट्राडे के लिए और पोजिशनली भी एमजीएल काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।